हेलो गाइस, गार्डनिंग टिप्स एंड नॉट मच चैनल में स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगेव प्लांट के बारे में कि इसे बेबी प्लांट की मदद से कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि मेरे पास इस तरीके से दो अगेव प्लांट है। इसमें ये बड़े वाला अगेव प्लांट है जिसकी मदद से मैंने ये दूसरा प्लांट तैयार किया है। तो किस तरीके से प्लांट को तैयार किया जा सकता है बड़े प्लांट की मदद से, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने दो प्लांट को तैयार किए हैं, आप देख ही सकते हो। तो आप इसे किस तरीके से तैयार कर सकते हो, तो इस तरीके से आप प्लांट को देख ही सकते हो कि इस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो आप इसे इजीली बाहर निकाल के ग्रो कर सकते हो। तो मैंने ये बड़े वाले अगेव प्लांट के अंदर से बेबी प्लांट को निकाल के इसे ग्रो किया था। आप देख ही सकते हो कि कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसके नीचे से मैंने दो निकाल के तैयार किए हैं। मेरा ये वीडियो बनाना रह गया है, नहीं तो आपको मैं दिखा देता कि इसके नीचे से मैंने दो बेबी प्लांट निकाल के ये दो तैयार किए हैं छोटे छोटे। तो आप भी इजीली इस तरीके से अगेव प्लांट की जो वेराइटीज़ है वो डेवलप कर सकते हो बहुत सारी। तो आप देख ही सकते हो कि जो मेरा बड़े वाला जो अगेव प्लांट है, इसे रिपोर्ट करने के लिए इसके अंदर पॉट बदलने की ज़रूरत है। तो मैं इसका रिपोर्टिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसको तो मैंने अभी ही रिपोर्ट किया था, आप देख ही सकते हो इसकी भी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। तो आप भी चाहो तो इस तरीके से बेबी प्लांट की मदद से बहुत बड़े बड़े प्लांट इस तरीके से रेडी कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। जो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।